फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जयपैक बॉयज। आज की इस एपिसोड में हम आपके लिए वापस विजिट करने जा रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी। इसका पार्ट वन बहुत मशहूर हुआ था और हमारे पीछे एक बेसब्रा इंसान मौजूद है, क्योंकि हम कराची में रहते हैं और बेसब्रा इंसान यहाँ मौजूद ना हो ऐसा हो नहीं सकता। खैर, तो इस एपिसोड में हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी और मैं आपसे डिस्कस करूँगा मेरी यूनिवर्सिटी की कुछ यादें। हम नोट करेंगे लोगों के रिएक्शन। बेसिकली ये पार्ट टू है ऑफ द वीडियो विजिटिंग माई यूनिवर्सिटी इन माई स्पोर्ट्स कार। लास्ट टाइम वी विजिटेड माई यूनिवर्सिटी इन टोयोटा सुप्रा, दिस टाइम वी विल बी विजिटिंग माई यूनिवर्सिटी इन अ सुपर कार। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक का बड़ा करम है। तो द थिंग इज दैट द होल पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज टू मोटिवेट यू गाइज एंड ऑल माई बॉयज जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वी ऑल कैन अचीव एनी थिंग बाई नेवर गिविंग अप एंड बाई कंटिन्यूसली वर्किंग हार्ड। कंसिस्टेंसी इज द की। चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। रोड दिखाओ लोगों को। ये कराची में बारिश हुए हुए अच्छा खासा वक्त गुजर गया, 2-3 दिन हो गए लास्ट बारिश हुए हुए, और अभी भी यहाँ पे पानी का ये हाल है। मतलब ना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, ना हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है, ना हमारे पास पीने का पानी है। वो क्योंकि पीने का सारा पानी जो हम स्टोर भी कर सकते हैं वो ऐसे ज़ाया हो जाता है। कीचड़ यहाँ पे अरसे दराज तक मौजूद रहता है, लेकिन हमारे पास जो पीने का पानी है वो हमें नहीं मिलता। हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। और ऐसा मसला नहीं है कि ये मसला पाकिस्तान के हर शहर में है। हाँ, बहुत सारे शहरों में होगा, लेकिन हर शहर में ये मसला नहीं है। तो बॉयज़, फाइनली वी हैव एंटर्ड अवर यूनिवर्सिटी। काजिम हमारे साथ हैं। काजिम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू हमारी दोस्ती हुई। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मेरी इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई, उनमें से एक है काजिम। खैर, एनडी के अंदर घुसते ही पहले से बहुत ज़्यादा ग्रीनर हो गया है। राइट साइड पे देख रहा हूँ क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। फुटबॉल ग्राउंड भी बहुत डेवलप हो गया, काजिम बता रहे हैं। खैर, इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम लोग जो है ना वो इधर आए हैं। सच अ नाइस फीलिंग टू बी बैक। मतलब मैं अपने व्यूअर्स को अक्सर बताता हूँ ना, मुझे एनईडी ने बहुत सिखाया है। लाइक मैं जहाँ पे हूँ, पढ़ाई के सेंस में नहीं, हार्डशिप्स के सेंस में ना, कि मुश्किलात यहाँ पे जो पढ़ते हुए हमें मुश्किलात आती हैं। और मतलब मुश्किलात एज इन के मतलब चीज़ें हार्ड हैं, पूरी चीज़ें जिस तरह से डिज़ाइन है वो एक बहुत मजबूत इंसान डेवलप करती है ना। ये अंदर ओके, कच्चे की खैर है। स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं होने चाहिए। मेरा डिपार्टमेंट ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट है। अच्छा, इंशाल्लाह ब्रो। अच्छा, सेम हियर ब्रो, सेम हियर। सोच रहा हूँ यहाँ पे लगा के एक ड्रोन का शॉट ले लेता हूँ। बॉयज, हम लोग पहुँच गए हैं हमारे ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट। मैं आपको कुछ ड्रोन के शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ के। सो बॉयज, ये है हमारा ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट, और ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जिसके पास मौजूद है पॉइंट एरिया जहाँ पे तमाम पॉइंट्स लगती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कुल्फी वाले चाचा, इनको मैं जब से यूनिवर्सिटी में गया था ग्रेजुएशन के बाद भी मतलब सालों से देख रहा हूँ। यहाँ पे तमाम पॉइंट्स लगती हैं और यहाँ पे पॉइंट्स में बैठ के सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एनईडी बहुत ही बड़े रकबे के ऊपर मौजूद है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं एनईडी में। और आप में से वो लोग जिनको नहीं पता, एनईडी का मतलब है नादिर शाह इडिलजी डिनशा, जो के फाउंडर थे एनईडी के। ये बेसिकली प्रिंस इंजीनियरिंग कॉलेज था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बाद में जिसका नाम चेंज करके एनईडी कर दिया गया था। तो वॉइस राइट नाउ आप लोगों ने देखे ऑटोमोटिव से पूरे एनईडी का व्यू। अब हम चलते हैं पॉइंट वाले एरिया में जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। थोड़े से रिएक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स के। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से एक एक्सपीरियंस बताऊं, बेस्ट पार्ट अबाउट एनईडी, एनईडी ने मुझे इतना हार्ड बना दिया है। एनईडी ने मुझे सिखाया नेवर गिव अप, कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं, और यही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा। हमारी जो नई जनरेशन है, जितने भी नए आने वाले लौंडे हैं,
और स्पेशली लौंडे, वो ना छोटी छोटी बातों पे दिल तोड़ के मर जाऊंगा मैं, काट लूंगा अपनी नस। तो कंसिस्टेंसी इज द की एंड यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, दैट्स द की। ठीक है, वक्त लगेगा, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। एक एग्जांपल है, हम कोर्ट तो बहुत पढ़ते हैं, मूसा पानी भी बता देता हूँ कि काजिम भाई, ये ऐसा भी होता है कि कुछ लोग 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं, 28 तक जॉब नहीं लगती। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी 28 में जॉब लग जाती है और वो 40 साल की उम्र में लेकिन वो सीईओ होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जॉब तो 22 साल की उम्र में लग जाती है लेकिन वो 40 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती तो शादी लेट होती है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जल्दी शादी हो जाती है उनके बच्चे नहीं होते। तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं ज़िंदगी में, वी नेवर हैव टू गिव अप, दैट्स द मोटो ऑफ टुडेज वीडियो। और हम आपको दिखाते हैं और सीन्स। सो बॉयज, मैं आप लोगों को आप लोगों के दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता चलूं, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, या फिर और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्या करूं, मैंने सेकंड ईयर कर लिया है, मैं क्या करूं। पहली बात, मैट्रिक के बाद ही तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने आगे क्या करना है, और इन केस अगर वो तुम ना कर पाओ तो उसमें ये जानो और ये समझो कि इसी में शायद अल्लाह पाक की बेहतरी है। हम लोगों का बड़ा मसला ये है कि हम ना हर चीज़ पे जो है ना ऐसे दिल तोड़ के बैठ जाते हैं। हमारा आज का बुरा आगे के अच्छे से वाबस्ता है। अपनी पूरी ज़िंदगी उठा के देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे साथ ऐसा ना हुआ हो कि तुम्हारे साथ जो आज का बुरा हुआ हो वो आगे जाके तुम्हारे अच्छे से वाबस्ता ना हो। तो इतनी जल्दी हम लोग जो अपनी हिम्मत हार जाते हैं, अपनी जो हमारी हिम्मत है वो टूट जाती है, वो नहीं टूटनी चाहिए। जहाँ तक रही इंजीनियरिंग की बात, जो मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं हम इंजीनियरिंग करें, तो ब्रो इंजीनियरिंग करो। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू मेक श्योर बिफोर गेटिंग इनटू एनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इज़ योर मैथ्स एंड फिजिक्स शुड बी वेरी साउंड, मतलब नॉट एवरेज, इट शुड बी अबव एवरेज और गुड। सही है, इफ़ यू आर एवरेज और बिलो एवरेज, नेवर ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग। ट्राई टू फाइंड आउट इन योर सेल्फ कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। कुछ लोग बिजनेस में अच्छे होते हैं, मेरे एक टीचर थे, वो मुझे बोलते थे सरासत कि तुम बिजनेस में अच्छे हो, ठीक है, और तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ करनी चाहिए थी, तुम इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हो। मैं इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था, फिर मुझे इंजीनियरिंग मैंने ख़त्म की और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि आई वॉज गुड एट बिजनेस, दैट्स वाई आई एम डूइंग डिफरेंट बिजनेसेस राइट नाउ रदर देन डूइंग यू नो माई जॉब, माई इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब। सो वी ऑल कैन अचीव वॉट वी वॉन्ट टू अचीव, जस्ट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। सो बॉयज, मैंने ऐसा
ऐसा कहा जरूर था कि वीडियो खत्म हो गई है और ये एंड है, लेकिन द थिंग इज दैट यहाँ पे उमर मिल गया अपनी आरवन के साथ, करीब ले आओ रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त उमर, इनको हैवी बाइकों का बहुत शौक है। हम दोनों ऐसे हैं कि वी बोथ स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह ये डुकाटी रख चुका है, हायाबुसा रख चुका है, ZX14R1 यू नेम इट, और ये बंदा है वो बाइक रख चुका है। जैसे मुझे गाड़ियों का शौक है वैसे इसको बाइक का शौक है। मेरा बहुत 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 पुराना दोस्त है कि मतलब जब हम दोनों के पास मतलब अपनी घर की इस्तेमाल की गाड़ियाँ होती थी और अब्बा की गाड़ियाँ हम लोग चलाते थे, तो ये वाला सीन है। तो मैं उमर के भी इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, और मैंने कहा यार मुझे जब उसकी बाइक दिखी गई है थी खूबसूरत, तो उस बाइक को भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। करीब आजा उमर भाई से पूछते हैं, उमर भाई कौन सा मॉडल है R1 का? 2007 मॉडल है यामा R1, और इसमें कोई रामी पर हुए सिर्फ एक लॉस लगा हुआ है, पूरी स्टॉक है। स्टार्टअप दिखा दें, करीब आ जाए। बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, और ये फाइनल इजाज़त है कन्फर्म वाली।